सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद विपुल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद विपुल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में पीडीएफ टेस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स पार्ट 6 इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसमें देखिए आपको बोला गया था, एक कंपनी ने सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन दिया है 1000 शेयर्स के लिए और एप्लीकेशन जो रिसीव हो गया है वो 1500 शेयर्स के लिए हुआ है। शेयर्स जो अलॉट किया गया है वो प्रोडाटा बेसिस पे अलॉट किया गया है। अगर दीपांकर ने अप्लाई किया है 150 शेयर्स के लिए तो कितना शेयर्स कंपनी के द्वारा अलॉट किया जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी प्रोडाटा का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक है, पेज नंबर भी फोर है। देखिए जो भी क्वेश्चन आता है प्रोडाटा का, उसमें आपको एक रेशियो फाइंड आउट करना होता है, उसी रेशियो पर पूरा आपका क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कंपनी ने कितना एप्लीकेशन दिया है 1000 शेयर्स के लिए और जो एप्लीकेशन टोटल आ गया है कंपनी के पास वो आ गया है 1500 शेयर्स के लिए, ठीक है। यानी इतने के लिए बोला गया था और लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है 1500 शेयर्स के लिए, यानी ज्यादा कर दिया है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। और कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम लोग प्रोराटा करेंगे। प्रोराटा करने का मतलब क्या हुआ, 1500 शेयर्स को हम लोग कितना देंगे, 1000 शेयर्स देंगे। ये रेशियो कितना हो रहा है आप देखेंगे, अगर ये हो जाएगा आपको 3:2, ठीक है, 3:2 के रेशियो में हम लोग देंगे शेयर्स को। यानी जो भी बंदा 3 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा उसको 2 ही शेयर मिलेगा, जो 6 के लिए करेगा उसको 4 मिलेगा, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा, यही रेशियो रहेगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि दीपांकर ने अप्लाई किया था 150 शेयर्स के लिए, यानी ये जो मेरा ये है अप्लाइड और ये है अलॉटेड, ठीक है। तो अगर दीपांकर ने अप्लाई किया था 150 शेयर्स के लिए तो उसको कितना मिला होगा, सिंपल इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 3x = 150 × 2, इसलिए x = 150 × 2 / 3, इसको आप जब सॉल्व करते हैं तो 100 आ जाता है और आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट 100। यहां आप समझ गए कैसे ये आया। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट जो आपका है वो क्वेश्चन नंबर 5-10। आपको कुछ डेटा दिया गया है उस पर बेस्ड आपको 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन का आंसर करना है। इसमें क्या डेटा दिया गया है इसको देखते हैं एक बार। एक कंपनी ने 5000 शेयर्स पर, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 5-10, ठीक है, इसमें डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे। एक कंपनी ने इन्वाइट किया है 5000 शेयर्स पर एप्लीकेशन को, ठीक है, और ये रहेगा 10 रुपये का, 10 ईच। इसका जो पेमेंट करना है वो करना है शेयर होल्डर्स को, 3 रुपये देना है एप्लीकेशन पे, 4 रुपये देने हैं अलॉटमेंट पे, और बैलेंस कितना हो जाएगा, 3 बैलेंस देना है उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ये बता दिया गया आपको क्वेश्चन में, ऐसे पेमेंट लेना है शेयर होल्डर से। अब बोल रहा है एप्लीकेशंस वेयर रिसीव फॉर 7000 शेयर्स एंड कंपनी डिसाइडेड टू गो फॉर प्रोराटा अलॉटमेंट एंड एक्सेस अमाउंट इज टू बी रिफंडेड। यानी 5000 शेयर्स कंपनी ने इशू किया लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है कितना, 7000 शेयर्स के लिए, ठीक है, और कंपनी ने बोला कि अब हम लोग इसको प्रोराटा पे अलॉट कर देंगे और जो भी एक्सेस होगा, एक्सेस मनी इज टू बी रिफंडेड। ये हमारे पास डेटा है, इसको हमने लिख लिया। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका वो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, इफ मिस्टर राकेश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया अप्लाइड फॉर 70 शेयर्स ही विल बी अलॉटेड, कितना उनको कितना अलॉट किया जाएगा। मिस्टर राकेश हैं बैंक ऑफ इंडिया से, इन्होंने 70 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो इनको कितना शेयर मिलेगा कंपनी के द्वारा। तो सिंपल है, इसको आप समझ चुके थे पिछले क्वेश्चन हमने देखा था, यहां हम लोग लिख लेते हैं अप्लाइड और यहां लिख लेते हैं अलॉटेड, क्लियर। देखिए 7000 शेयर्स को देना है 5000, यानी मेरा रेशियो हो जाएगा 7:5, देख लीजिए आप, ये 3 कैंसिल हो जाएगा 0, 7:5 के रेशियो में, यानी 7 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया होगा उन लोगों को मिलेगा सिर्फ 5 शेयर्स ही, यानी जो 14 के लिए करेगा उसको 10 मिलेगा, यही रेशियो हो जाएगा, 7:5 का हमारा रेशियो आ गया। अब आपसे बोला जा रहा है मिस्टर राकेश जो है इन्होंने अप्लाई किया है 70 शेयर्स के लिए, तो मिस्टर राकेश ने अप्लाई किया है कितना, 70 शेयर्स के लिए,
तो इनको कितना अलॉट होगा, सॉल्व करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 7x इज इक्वल टू 70 इंटू 5, इसलिए x विल बी 70 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 50। 50 इसका करेक्ट आंसर होगा, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर आपको 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपने सॉल्व कर लिया, करेक्ट ऑप्शन इज 50 शेयर्स ऑप्शन 4। क्वेश्चन 6 देखिए, इफ मिस मिनी फ्रॉम यूनियन बैंक गॉट 30 शेयर्स, फॉर हाउ मेनी शेयर्स डिड सी अप्लाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले लिखते हैं, क्वेश्चन 6, इन्होंने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया है, और ये डेटा आपको बताया गया कि इनको मिला है 30 शेयर्स। सिंपल है, वही अपना फंडा रहेगा अप्लाइड, एकदम इजी है। इस पार्ट को अच्छे से एक बार समझ लीजिए, अलॉटेड ये आपको बस लिख लेना है, रेशियो फाइंड कर लेना है। इनको मिला कितना है, मिनी को मिला है 30 शेयर्स इनको अलॉट हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया गया था इनके द्वारा, और रेशियो वही है आपका 7:5 का रेशियो है। रेशियो को भी आप चाहें तो लिख सकते हैं 7:5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखिए, ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 7 into 30, सो x विल बी योर 7 into 30 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 42। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन 1, 42। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट, दैट इज एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट रेशियो क्या होगा। तो ये तो आपने पहले ही निकाल लिया है, 7:5 आपको आ चुका है इसका आंसर। देखिए 7000 को 5000 देना, यानी रेशियो जो होगा एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट का होगा 7:5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 7:5। हाँ, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, आप देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ए 7:5, बी 5:7, सी 14:10। 14:10 को भी जब आप सॉल्व करते हैं तो 7:5 ही आता है। तो एग्जाम में आपको हड़बड़ करके सिर्फ ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे नहीं निकलना है, आपको पूरा ऑप्शन ध्यान से देखना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो आपका होगा वो होगा ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन को आप टिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन जो आपका है वो है ए और सी। ए और सी क्यों हो रहा है आप समझ गए, क्योंकि ए में 7:5 है और सी को भी सॉल्व करेंगे तो 7:5 ही आएगा। 14:10 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 7:5 आएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस माला फ्रॉम इंडियन ओवरसीज बैंक अप्लाइड फॉर 140 शेयर्स एंड वाज अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, हाउ मच मनी विल बी रिफंडेड टू हर। इसमें आपसे बोला गया है कि इंडियन ओवरसीज बैंक से मिसेज माला इन्होंने अप्लाई किया है 140 शेयर्स के लिए, और इनको अलॉट किया गया है प्रोराटा बेसिस पे, आपको बताना है इनको कितना पैसा वापस किया जाएगा कंपनी के द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अपना जो अप्लाइड एंड अलॉटेड वाला रेशियो है ये तो अपना सेम ही रहेगा 7:5। इनको मिला अप्लाई कितना किया है, 140 शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया है, तो इनको मिला होगा एक्स 7x इज इक्वल टू 140 into 5, इसलिए x हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे 200 शेयर्स आ गया। ठीक है, यानी मिसेज माला ने 140 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो इनको मिला 100 शेयर। अब आप एक बात बताइए, जब इन्होंने अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन का पैसा भी दिया होगा। ठीक है, तो 140 शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया तो 140 शेयर्स पे इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा। एप्लीकेशन का पैसा कितना था याद कीजिए, 3 रुपए देना था एप्लीकेशन पे, यानी इन्होंने दिया होगा कंपनी को 420, लेकिन इनको अलॉट किया गया है जस्ट 100 शेयर्स, यानी 100 शेयर्स के लिए ही ये लायबल है पैसा देने के लिए। तो 100 शेयर्स पे इनको देना था 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए। ठीक है, इतना के लिए उन्होंने अप्लाई किया, ये इनको अलॉट हुआ। तो एक्चुअल में उनसे 300 रुपए ही लेना था कंपनी को, लेकिन ले लिया है 420, यानी इनको रिफंड करना पड़ेगा 120, 120 रुपए कंपनी इनको वापस करेगी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4, 120। उम्मीद है आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिस्टर रिहान अप्लाइड फॉर 21 शेयर्स, ही आल्सो गॉट शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस एंड एक्सेस मनी वाज रिफंडेड टू हिम, ही वांट्स टू पे फॉर शेयर अलॉटमेंट, हाउ मच शुड ही पे। ठीक है, देखिए इसमें बोल रहा है मिस्टर रिहान ने अप्लाई किया है 21 शेयर्स के लिए, तो उनको भी शेयर्स हम लोगों ने प्रोराटा पे दिया है और एक्सेस मनी उनको रिफंड कर दिया गया था। अब आपको बताना है शेयर अलॉटमेंट पे उनको कितना पैसा देना है। तो चलिए इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 9, सेम वही लॉजिक है, अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो 7:5, इन्होंने अप्लाई किया है 21 शेयर्स के लिए, तो इनको अलॉट होगा कितना, आप सॉल्व करके देखिए, 7x = 21 × 5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी कंपनी ने इनको अलॉट किया 15 शेयर्स, और अलॉटमेंट पे जो पैसा लेना था इनसे वो लेना था हम लोगों को 4 रुपये के हिसाब से, ठीक है, तो 15 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से कितना बनता है इनका, 15 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से बनता है 60 रुपये, यानी अलॉटमेंट पे इनसे कंपनी कितना लेगा, 60 रुपये ही ले सकता है, तो 60 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ₹60, कैसे आया आपने देखा, 7:5 का आपका रेशियो था, उसने अप्लाई किया था 21 शेयर के लिए, तो उसको अलॉट किया गया 15 शेयर, क्लियर, 15 शेयर अलॉट किया गया है, तो जो अलॉटमेंट पर पैसा मिलने वाला है वो 15 शेयर पे ही मिलेगा, ऑब्वियस बात है, जितना अलॉट करोगे उतना ही पर तो लोगे पैसा, और 4 रुपये लेना है अलॉटमेंट का एक शेयर पे, 15 शेयर पे लेंगे 15 × 4, दैट इज ₹60, नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ मच शुड मिस्टर रेहान पे फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल याद कीजिए आपको कितने का था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये का था, और रेहान को दिया गया है 15 शेयर, यानी 15 × 3 इजी है ₹45, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा पॉइंट ऑप्शन 3, 45। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका दिया हुआ है, इसमें आपसे बोला गया है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स है ये कंपनी मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकता है, और कॉल्स इन एडवांस पे कितना इसको इंटरेस्ट देना है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ देखिए, अगर आपसे एग्जामिनेशन में कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में स्पेसिफिकली पूछे तो वहाँ पे आपको 5% 6% आंसर करना है, और अगर कुछ नहीं बोला है सिर्फ कंपनीज एक्ट बोला है तो आपको नया वाला प्रोविजन जो है 12% और 10% ये आंसर करना है, क्लियर। तो ये बहुत सारे डाउट्स आपके द्वारा पूछे जा रहे थे, तो इसका ये सॉल्यूशन है, अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछ दे कंपनीज एक्ट 1956 तो आपको पुराना वाला यानी 6% और 5% आंसर करना है, अगर कुछ ना बोले या आपको बोल दे कंपनीज एक्ट 2013 तो आपको नया वाला आंसर करना होगा, कॉल्स इन एरियर्स पे 10% एंड कॉल्स इन एडवांस पे 12%। चलिए, आज के डिस्कशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 6204547475 पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद विपुल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।